नमस्कार, मैं हूँ गगन और मैं हूँ उपासना। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल पर, जहाँ हम लेकर आए हैं बॉलीवुड और मनोरंजन की दुनिया से 10 बड़ी खबर। वरुण धवन अपने फिटनेस को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं और उनके सोशल मीडिया पे देखा जाता रहा है कि कैसे वो फिटनेस को प्रमोट करते आ रहे हैं। फिटनेस से रिलेटेड वरुण धवन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करी है जिसमें वह स्ट्रेचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। एक नई गाड़ी ले ली है और कार्तिक आर्यन ने इस गाड़ी के लिए दिए हैं एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए। हाल ही में कार्तिक आर्यन अपनी नई गाड़ी के पैर छूते नजर आए। बता दे, कार्तिक आर्यन ने अपनी नई गाड़ी इटली से मंगवाई है और इसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़े। माही विज हाल ही में कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई थी अपनी बेटी तारा से दूर। ऐसा पहली बार था कि जब माही विज अपने बेटी से अलग रही। ऐसे में जब माही विज अपने घर वापस लौटी तो क्या हुआ, आप भी देखिए। ओके तारा, ये कौन है? एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक ऐप डीप फेक का इस्तेमाल करके अपना चेहरा जोकर फिल्म के एक्टर जैक फिनिक्स के चेहरे से बदल लिया। आइए आप भी देखिए ये वीडियो। She always tells me to smile and put on a happy face. All I have are negative thoughts. When I was a little boy, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. Well, if you say so, kid, you know, Joker it is. It's good. Thanks, Murray. I'm just trying to make people laugh. There's no punchline. My life is nothing but a comedy. दिया मिर्जा, जिनकी शादी बिजनेसमैन वैभव रेखी से हुई, वह अपनी सौतेली बेटी का जन्मदिन मनाते हुए नजर आई। बर्थडे पार्टी में उनके हस्बैंड और उनकी एक्स वाइफ भी मौजूद थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें सीक्रेटली अक्षय कुमार का कॉल आया था और उन्होंने उनकी फिल्म थलाइवी के ट्रेलर की खूब तारीफ करी और उन्होंने लिखा कि एक्ट्रेस जैसे आलिया, दीपिका बॉलीवुड माफिया से डरती हैं, इसीलिए उन्होंने उनके ट्रेलर की तारीफ नहीं करी। जानवी कपूर इन दिनों मालदीव में हैं और वह वहां के सुहाने मौसम का आनंद उठा रही है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने कुछ पिक्चर शेयर करते हुए अपने फैंस को अपने मालदीव में होने की खबर दी। हाल ही में हुए इंटरव्यू में शेखर सुमन ने कहा कि वे बेवकूफ थे जो अमिताभ बच्चन से हुए कंपैरिजन को लेकर रिजेक्ट कर बैठे। शेखर सुमन को टीवी के अमिताभ बच्चन कहा जाता था, जिसे वह मानने से साफ इनकार कर दिया करते थे और अब उनका मानना है कि उन्हें इस कॉम्प्लीमेंट को स्वीकार कर लेना चाहिए था। आज है जया बच्चन का जन्मदिन। 73 साल की हुई जया बच्चन।
मीरा राजपूत आजकल अपने पति शाहिद कपूर को मिस कर रही हैं। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लक्की अली के गाने ओ सनम शाहिद को टैग करके पोस्ट किया है। आपको हमारा ये खास बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको यह बॉलीवुड बुलेटिन कैसा लगा। अब मुझे यानी उपासना और मुझे यानी गगन को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। बाय।